my class 11 champions welcome to your english class welcome to science and fun and welcome to the first class of english class 11 mein aapka jo first chapter hai sabse chapter पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वी मीन बाई पोर्ट्रेट मतलब होता 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 है, है 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 ना? ना ना? में भी हमारे होता है, Landscape mode, portrait mode, है तो portrait का मतलब क्या होता है basically? Picture, right? लेकिन हम यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ पिक्चर नहीं देखने वाले हैं लेडी का ये पिक्चर कैसे है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी ठीक है तो किस लेडी का हम पोर्ट्रेट देखने वाले हैं लेडी है खुशवंत सिंह जी की दादी लेडी है खुशवंत सिंह जी की दादी और अपनी दादी के बारे में खुद खुशवंत सिंह ने ही बताया है थोड़ा सा जान लीजिए खुशवंत सिंह के बारे में ये कौन है खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन ऑथर ये एक भारतीय लेखक रहे हैं ये एक लॉयर भी रह चुके हैं डिप्लोमैट भी रह चुके हैं जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं इनका जो 1947 में हम सब जानते हैं कि इंडिया का पार्टिशन हुआ था 1947 में तो 1947 में जो इंडिया का पार्टिशन हुआ उससे इंस्पायर होके उससे प्रेरित होके इन्होंने एक किताब लिखी थी एक नोवेल लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में इन्होंने लिखा था और ये बुक जो है ये नोवेल जो है इनकी बेस्ट सेलिंग नोवेल बनी राइट right. सो so हमने देखना है कि सिंह जी इस चैप्टर चैप्टर में में ऑफ अ अपनी दादी के बारे में क्या बताते हैं माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है है ना कुछ एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर रिश्ते में होते हैं भाई का एक पर्टिकुलर नेचर होता है जो सब भाइयों का वो पर्टिकुलर नेचर होगा कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट एक जनरल नेचर होता ही है बहनों का एक जनरल नेचर होता है सब मम्मी लोग का सब पापा लोग का एक जनरल नेचर होता है वैसे ही सब दादियों का भी एक जनरल नेचर होता है तो वही वो बता रहे हैं माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर सबकी दादी जैसा है ना वो एन ओल्ड वुमेन ऑब्वियसली दादी है तो ओल्ड होंगी है ना सो माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर वोज एन ओल्ड वुमेन अच्छा अब आप लोगों की भी दादी क्या क्या चीज है जो आप लोग अपनी दादी के बारे में अपने ग्रांड मदर के बारे में आपको अच्छी लगती है वो एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अच्छी लगती है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा राइट सो माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर वो इस्ड वुमेन शी हेड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड For the 20 years that I had known her. मतलब वो ओल्ड रही है और रिंकल्ड रिंकल्ड का मतलब क्या होता है झुर्रिया होना फेस पे जो झुर्रिया होती है ना सो शेरबीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द ट्वेंटी ईयर्स मतलब बीस साल से ऑथर जो अपनी दादी को जानते हैं पूरे बीस साल उन्होंने अपनी दादी को कैसे देखा वैसे ही ओल्ड एंड रिंकल्ड मतलब जब से वो वो अपनी दादी को जानते हैं जब से देखा है तब से दादी ओल्ड ही रही हैं एंड रिंकल्ड ही रही हैं दैट आई हैड नोन हर जब से ट्वेंटी इयर्स दैट आई हैड नोन हर पीपल सेड हालांकि लोग लोगों ने जिन्होंने पहले देखा था है ना तो वो कहा करते हैं पीपल सेट दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी ऑब्वियसली लाइफ के स्टेजेस होते हैं हर इंसान uh, ये सभी स्टेजेस में से पास करता है राइट हम बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं लड़कियां है, हो तो यही देखा था अपनी दादी का ओल्ड वाला स्टेज देखा था लेकिन लोग जिन्होंने उनको पहले देखा था जब वो यंग एंड प्रिटी थी है ना एंड इवन हस्बैंड मतलब उनका हस्बैंड भी था और ये चीज क्योंकि

माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट अब ग्रांड फादर का एक फोटो घर में लगा हुआ था ठीक है कहाँ लगा हुआ है हंग अबाव द मेंटल पीस ना वो बी मीन बाई मेंटल पीस अब देखो फायर प्लेस अंगीठी ये जो जगह होता है ना इसको तो हम अंगीठी कहते हैं लेकिन ये वाला जो प्लेस है ना इसको हम मेंटल पीस कहते हैं ये रूफ जैसा सा जो होता है, है ना तो अब द मेंटल पीस मतलब इसके ऊपर इसके ऊपर दादाजी का एक पोर्ट्रेट टांगा हुआ था ठीक माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम ही उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी एंड लूज फिटिंग क्लोथ और एक बड़ी सी पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी एंड हिस्स लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस्स चेस्ट मतलब उनकी इतनी लंबी लंबी यूं बड़ी सी दाढ़ी थी

वाइफ और चिल्ड्रेन इनको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि इनकी बीवी और बच्चे भी हो सकते हैं जैसे बिल्कुल बाबा जी जैसे से लग रहे थे ना तो देख के लग ही नहीं रहा था कि इनके कोई बीवी और बच्चे भी हो सकते हैं ये अपने दादाजी के बारे में बता रहे दादाजी से कभी मिले नहीं है बस फोटो देख के ये चीजें इमेजिन कर रहे हैं खुशवंत सिंह जी राइट ही लुकड एज इफ एज इफ मतलब जैसे की ही लुकड एज इफ ही कुड्रेन मतलब दादाजी की दुनिया बड़ी वाइट सी दाढ़ी थी उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था इनके बीवी और बच्चे भी हो सकते हैं। बस ये लग रहा था कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं ना बहुत सारे पोता पोती हो सकते हैं अब इमेजिन कितना इनोसेंस है कितना इनोसेंस है ये पूरे राइट अप में है ना ऑथर जो लिख रहा है एक बच्चा कैसे अपनी दादी के बारे में सोच रहा है बिल्कुल वैसे ही इन्होंने वर्ड्स में पुट डाउन किया है कि दादाजी को देख के लग ही नहीं रहा था इनके बीवी बच्चे हो सकते हैं बस ये लग रहा था कि इनके बहुत सारे पोते पोती हो सकते हैं ठीक है एज फॉर माई ग्रैंड मदर एज फॉर मतलब जहां तक मेरी दादी की बात है

ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग रिवोल्ट करना मतलब क्या विद्रोह करना बगावत करना है ना uh, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं रिवोल्ट बहुत सारे revolts और मूवमेंट्स आप पढ़ते हैं राइट रिवोल्ट करना साइमन गो बैक राइट रिवोल्ट करना मतलब बिल्कुल बगावत करना हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे ये देखो और सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करो मम्मी पापा इस बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करो मैं किसी की नहीं सुनूंगा है ना सो so, रिवोल्ट करना मतलब बगावत करना दॉट वॉज रिवोल्टिंग मतलब जो मेरे दिमाग में ये जो विचार आ रहा है ना ये ही मेरे दिमाग से ही बगावत कर रहा है मतलब मेरा थॉट ही रहा ही नहीं स, हो ही नहीं सकता मैं विश्वास ही नहीं कर सकता मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी दादी यंग एंड प्रिटी भी हो सकती है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग She often told us of, बारे में दादी बताया करती थी ऑफ द गेम्स टू प्ले जो गेम्स दादी बचपन में खेला करती थी वो गेम्स हमें दादी बताया करती थी है ना शी ऑफ एन टोल्डर्स ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड है ना अब देखो गेम्स जो है हर जनरेशन में अलग, अलग अलग चेंज होते रहते हैं जैसे आजकल के जनरेशन में बच्चों को मोबाइल गेम्स इसका बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है है ना आउटडोर गेम्स तो लगभग लगभग बहुत कम बहुत ज्यादा कम हो गए हैं सो so, आप सब अपनी दादी से जरूर पूछना दाद, दादी से या दादाजी से पूछना कि वो लोग अपने बचपन में कौन सा गेम खेलते थे और वो आप आके मुझे कमेंट में तो जरूर बताइएगा ठीक है सो शी ऑफन टोल्ड ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड That seemed quite absurd. अब Ab obviously दादी लोग के जमाने में जो गेम्स वो लोग खेलते थे वो हम लोग सुनेंगे तो हमें अजीब लगेगा है ना अब obviously जब आप लोग ऐसे बड़े हो जाओगे जॉब वॉब करके शादी वादी करके फिर उसके बाद बच्चे फिर उसके बाद पोते पोते हो जाएंगे फिर जो वो जनरेशन है उसको जब आप अपनी स्टोरी बताओगे ना उनको भी ऐसे ही वियर्ड लगेगा कि हम ये गेम खेलते थे मेरी दादा दादी ये गेम खेलते थे है ना तो वैसे ही ऑथर को भी लग रहा है दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड एब्सर्ड मतलब अजीब और अनडिग्निफाइड मतलब मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या कैसे गेम्स खेलते थे है ना जिस जिसको डिसरिस्पेक्टफुल लगे है ना कि ऐसे गेम खेलती थी दादी राइट ऑन हर पार्ट ऑन हर पार्ट मतलब दादी की पार्ट में एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट्स प्रोफिट्स मतलब जो संत महात्मा होते हैं तो संत दादी लोग क्या करते हैं ऑबवियसली संत महात्माओं के संतों की बात करते हैं संत महात्माओं की स्टोरीज हमें बताते हैं तो फेबल्स ऑफ द प्रोफिट्स और हम कैसे सुनते हैं जब हम छोटे होते बच्चे होते तो दादी लोग जब पूजा पार्ट संत महात्माओं की हमें स्टोरी सुनाते तो हम मतलब ध्यान से नहीं सुनते हैं ना तो बिल्कुल वैसे ही जब दादी अपने गेम्स की बात करती थी ना तो हम भी वैसे ही सुनते थे ठीक है मतलब हमेशा से जब से ऑथर ने उनको देखा था वो कैसी रही है छोटी सी शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट ठीक है Her face was a क्रिस क्रॉस क्या होता है ऐसे 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 देखो आप आज जाना तो अपनी दादी के फेस पे दादी या दादाजी के फेस पे देखना ऐसे माथे पे बहुत सारे रिंकल्स हो जाते हैं ना तो ऐसे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसे दिखते रहता है जो रिंकल्स होते हैं जो झुर्रिया होती है वो ऐसे क्रिस क्रॉस दिखती है उन्हीं को क्रिस क्रॉस हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब आप फेस देखो आप ऐसे हैंड्स देखोगे ऐसे स्किन देखोगे ना हर जगह ऐसे क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स दिखेगा राइट right? सो so, वही हमारे ऑथर ने भी डिस्क्राइब किया हर फेस वॉज ऑफ़ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द बॉडी दादी के रिंकल्स क्रॉस ऑफ रिंकल्स दिख रहे हैं नो वी वर सर्टिन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हर अब यहां पे ऑथर क्या बोल रहे नहीं ये हो ही नहीं सकता हम जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि दादी यंग और पिटी कभी थी है ना नो दैट्स नॉट पॉसिबल वी वर सर्टेन हम श्योर थे कि दादी हमेशा वैसी थी जैसा हम जानते हैं ठीक है ओल्ड सो टेरबली ओल्ड बूढ़ी इतनी बूढ़ी That she could not have grown older. मतलब हम दादी को जब से जानते हैं ना दादी बूढ़ी है और इतनी बूढ़ी है कि इससे ज्यादा बूढ़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कूड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर इससे ज्यादा और दादी बूढ़ी नहीं हो सकती एंड हैड स्टेड एट द सेम एज और ऐसा लग रहा है कि बीस साल से दादी ऐसी रही होंगी ठीक है सो एबसर्ड मतलब बेतुका अनिजनेबल इॉजिकल हम कहते हैं क्या इॉजिकल बातें कर रहे हो राइट सो एबसर्ड वियर्ड अनडिग्निफाइड मतलब जो चीज अभद्र हो या जो चीज रिस्पेक्टफुल ना हो प्रॉफिट मतलब पैगंबर या संत महात्माओं की जब हम बात करते हैं उन्हें हम प्रोफिट कहते हैं ठीक है ये ऐसे लाइंस ऐसे हैव बीन अब उस चीज को जस्टिफाई किए जा रहे हैं ऑथर uh, जो है कि इस चीज को जस्टिफाई किए जा रहे हैं कि प्रति हो ही नहीं सकती मैं 20 साल से देख रहा हूं 20 साल से दादी ऐसी है। और ऐसी ही नहीं है हमेशा ये इससे ज्यादा बुरी हो नहीं सकती और यंगर प्रति तो कभी थी ही नहीं लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं बीन नेव बट

Resting on her waist. मतलब आप इमेजिन कर सकते ऐसे वन हैंड रेस्टिंग ऑन द वेस्ट एंड ऐसे ऐसे करकेट सारी एंड स्पॉटलेस वाइट कैसा व्हाइट स्पॉटलेस मतलब एक दाग भी नहीं होता एकदम बिल्कुल चकाचक व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट ऐसे कमर पर एक हाथ रख के दादी पूरे घर में ऐसे, ऐसे 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 चलती रहती है ना टू बैलेंस हर स्टूप स्टूप का मतलब क्या है जब ओल्ड हो जाते हैं अभी से, एक सेंटेंस में बोला था ना ऑथर ने कि दादी कैसी है दादी देखो यहां पे कहा था शी हैड ऑलवेज बीन ओ, ओ कहां वो कहा गया बोला ये देखो यहाँ पे इधर है है ना सो शी बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट तो ये जो स्लाइटली बेंट है ना ये थोड़ा सा की वजह से जो बॉडी में झुकाव सा आ जाता है ना तो इसको हम स्टूप बोलते हैं तो इस स्टूप को बैलेंस करने के लिए वो क्या करती थी ऐसे अपने कमर पे हाथ रख लेती थी है ना राइट सो रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस द स्टूप अदर टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी रोजरी का मतलब क्या है माला ठीक है रोजरी का मतलब क्या होता है माला आपने देखा होगा बीड्स ऑफ हर रोजरी मतलब उसमें एक एक जो मणि होती है ना उसको हम बीड्स कहते हैं तो एक हाथ तो उनका ऐसे कमर पे रहता था और दूसरे हाथ में उनके एक माला रहती थी एंड telling the beads of a rosary मतलब माला का जाप करते रहना अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखेंगे टेलिंग का मतलब बताना नहीं है यहाँ पे टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोज़री का मतलब होता है माला का जाप करते रहना ऐसे-ऐसे करके एक हाथ से दादी माला का जाप करती रहती थी और दूसरे हाथ से दूस, दूसरा हाथ उनका ऐसे कमर पे रहता था ठीक है हर सिल्वर लॉक्स नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लॉक्स लॉक्स मतलब बाल लॉक का मतलब सिर्फ ताला नहीं होता है लॉक्स मतलब ऐसे बालों को कहते हैं यहाँ सिल्वर लॉक्स सिल्वर क्यों कह रहे हैं बिकॉज दादी है सारे बाल सफेद हो चुके हैं है, है ना तो हम इसको क्या कह रहे हैं सिल्वर लॉक्स हर सिल्वर लॉक्स वॉज कैटर्ड अनटाइडली अनटाइडली मतलब थोड़ा सा इधर उधर अनटाइडी रहता था ओवर हर पेल पकर्ड फेस ठीक है ओवर हर पेल एंड झुरियो मतलब तो मतलब वाला चेहरा उस पर उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं ये इधर उधर ऐसे बिखरे हुए रहते थे एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर आपने देखा होगा कि आपकी दादी लोग ऐसे कुछ 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 प्रेयर बोलते रहते हैं हमेशा है ना कुछ ना कुछ जाप करते रहते हैं इनऑडिबल मतलब जोर से नहीं बोलते हैं लेकिन मन ही मन बोलते रहते हैं तो लिप्स ऐसे मूव करते रहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही इनकी भी दादी का था यस yes, शी अब उन्होंने फिर से से दोबारा कहा अभी अभी उन्होंने कहा कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल जब से हमने देखा था तब से दादी सुंदर थी ठीक है और यस yes, अभी उन्होंने फिर से डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करके उन्होंने कहा कि हाँ जो भी है जैसी भी लेकिन दादी सुंदर थी हाँ वाकई में सच में सुंदर है ठीक है

एन एक्सपांस एक्सपान्स मतलब फैलाओ. जैसे आपको स्नो ठंडियों में माउंटेन्स हर जगह स्नो फैला हुआ दिखता है ना सो एन ऑफ प्योर वाइट का मतलब क्या होता है कामनेस कितना शांत सब कुछ हर जगह लगता है ठंड होता है सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं तो बाहर चहल पहल ज्यादा होता नहीं है तो सब जगह एकदम शांति होती है है ना सो एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सरीनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट मतलब शांति सेटिस्फैक्शन ब्रीदिंग पीस एंड सैटिस्फैक्शन जब शांति जगह पे जाते हैं देखो शोर वाली जगह पे जाके हम परेशान हो जाते हैं कई बार हम भी अपसेट से हो जाते हैं लेकिन शांति जगह पे चाहे वो बीच हो चाहे पहाड़ हो चाहे ग्रीनरी हो शांति सी जगह पे जाके एकदम सेटिसफैक्शन सा सुकून सा मिलता है ना सो ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट My grandmother and I were good friends. अब जो है ऑथर अपनी दादी के साथ में रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं। कि का अपनी दादी के साथ में कैसा रिश्ता था अभी तक तो उन्होंने, वाला उन्होंने दिया कि दादी, हो नहीं सकती इनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं हो सकते लेकिन हाँ मेरी दादी सुंदर थी जब से मैंने देखा है तब से सुंदर थी ठीक है और अब वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने वाले हैं राइट माई पेरेंट्स लेफ्ट दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चे का कौन देखभाल करेगा तो बच्चे को क्या किया दादी के पास छोड़ गए है ना कि ठीक है चलो अभी दादी के पास छोड़ के जाते हैं फिर वहां पे जाके कमाके घर वर ले लेंगे या रहने का इंतजाम करेंगे तब उनको लेके आएंगे राइट सो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेंट दे वेंट टू लिव इन दिटी एंड कॉन्स्टेंटली टूगेदर ठीक है एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर हम हमेशा मतलब दादी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी हमेशा मैं दादी के साथ रहा कॉन्स्टेंटली लगातार शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल दादी मुझे सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी और फिर ऐसा नहीं कि स्कूल में भेज दिया स्कूल में भी दादी साथ साथ जाया करती थी शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ सिंग सॉन्ग मुनोटनस सिंग सॉन्ग मतलब कोई सुरताल नहीं बस ऐसे ही फटाफट से प्रेयर दादी ने बोला वाइल शी बेद नहाते वक्त एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन

इस उम्मीद में that i would listen and get to know it by heart दादी को ये उम्मीद थी कि मैं सुनूंगा और मैं इसे सीख जाऊंगा बाय हार्ट दादी को ये उम्मीद थी ऐसा कहा है ऑथर ने इसका मतलब ना उन्होंने सुना ना उन्होंने क्या कहते हैं सुना बट उसको इतना ज्यादा ध्यान से नहीं सुना ठीक है i listened because i loved her voice मैंने उनको सुना इसलिए क्योंकि मुझे दादी की आवाज पसंद थी इसलिए नहीं क्योंकि वो भजन बोल रही थी या वो भगवान का नाम ले रही थी या कोई प्रेयर बोल रही थी मैंने सुना लेकिन सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे दादी की आवाज अच्छी लगती थी आई लिस्ट बिकॉज आई हर वॉइस बट टू लर्न इट मेरा कभी उसको सीखने का मन नहीं किया नेवर बोदर टू लर्न इट देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट फेच मतलब लाना ठीक है आपने वो पोयम बचपन में पढ़ा होगा फेच ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक अब देखो हम अब हमारे टाइम पे तो अभी वी हैव इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स मतलब ऐसी चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं यूज कर सकते हैं राइट लेकिन ऐसे लकड़ी का एक फट्टा होता था ठीक है एक वुडन uh, स्लेट uh, होता था और उसको क्या किया जाता था उसको व्हाइट चौक से ऐसे प्लास्टर किया जाता था ताकि बच्चे उस पर लिख के कुछ सीख सके है ना और ये हर रोज करना पड़ता था बच्चों को दादी ये ऑलरेडी ऑथर के लिए करके रखती थी ठीक है देन शी शी वुड फेच द वुडन स्लेट हैड ऑलरेडी वॉश्ड उसको रोज घर पे आके उसको धोना पड़ता था और फिर से वापस से उसको उसके ऊपर लगाना पड़ता था ताकि बच्चा जाए उस, उसके ऊपर कुछ पढ़ के लिख के आए फिर उसके बाद फिर अगले दिन उसको धो के ऐसे करना पड़ता था ठीक है तो वो टाइप ऑफ वुडन स्लेट एकदम बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट नाइनटीन राइट उसके पहले की भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे राइट सो वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक अब अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट जो इंक पॉट भी होता है अब हमारे पास इंक बॉटल्स पहले इंक बॉटल्स हुआ करते थे उससे भी पहले मिट्टी के इंक पॉट्स हुआ करते थे है ना एंड अ रेड पेन ये सारी चीज दादी पहले ही तैयार करती थी एंड टाई देम ऑल इन अ बंडल एक बंडल में दादी उसको बांध देती थी एंड हैंडेड टू मी ठीक है मतलब नहलाया नहलाते वक्त प्रेयर बोला जो कि मैंने इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो प्रेयर था इसलिए सुना क्योंकि दादी की आवाज है और उसको लर्न बिल्कुल भी नहीं किया और उसके बाद मुझे दादी ये सब मेरा वुडन स्लेट और इंक पॉट और पेन ये सब लाके दादी ने मुझे एक ऐसे टाई करके बंडल में लाके मुझे दे दिया ठीक है फिर उसके बाद आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थेक स्टेल स्टेल मतलब बासी चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन एट पहले क्या होता था पहले बच्चों का और स्पेशली गांव वगैरह में आ, जो विलेज एरियाज है वहाँ पे नाश्ता क्या होता था रोटी बासी रोटी जो रात की बची हुई रोटी होती थी उस पर घी लगा के और चीनी लगा के है ना और ये तो हम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने बचपन में खाया होगा आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बटर और शुगर बासी रोटी में लपेट के खाया है आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है जो लोग बिल्कुल एकदम गाँव से जुड़े हुए हैं अगर कुछ है तो आप लोगों ने भी ये जरूर खाया होगा राइट right? सो so, उस टाइम पे भी ये नाश्ता चलता था सो आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल वी वेंट टू स्कूल मतलब दादी और ऑथर दोनों गए ऑथर अकेला स्कूल नहीं गया शी carried several stale chapatis with her for the village dogs. और दादी अपने साथ में बाकी जो बची सारी आ, बासी रोटियां थी जो स्टेल चपाती थी वो दादी अपने साथ ले जाती थी किसके लिए विलेज डॉग्स के लिए है ना माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी हमेशा मेरी दादी मेरे साथ में स्कूल जाया करती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल मतलब स्कूल के बाजू में ही एक टेम्पल भी था स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल द प्रीस्ट टॉट अज द एल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर Priest, मतलब वहाँ का जो आ, जो पंडित है वो हमें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करता ठीक है वाइल्ड द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ई साइड ऑफ द वरान्डा ऑन ई साइड ऑफ द वरान्डा जो वरांडा होता है बीच वाला पैसेज सा जो जगह होता है आई द साइड उसके बच्चे बैठते थे चिल्ड्रेट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ दिंग ऐसे सो द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस इन कोरस मतलब इकट्ठे ही ठीक है कोरस सिंगिंग आप लोग अभी भी करते होंगे जब आप प्रेयर uh, मीट्स होते हैं आपके uh, आप लोग जब ऑडिटोरियम में जाते हैं तो इन कोरस इन कोरस जब हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो इन कोरस इकट्ठे ही साथ में हम गाते हैं ठीक है माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स जो भी स्क्रिप्चर्स है जो होली बुक्स है जब तक हम लोग ये कर रहे होते थे तब तक दादी अंदर बैठ के जो होली बुक्स हैं उनको पढ़ लिया करती थी वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड मतलब हमारी जब पढ़ाई होती थी और दादी के जब स्क्रिप्चर्स uh, पढ़ के हो जाते थे वी वुड वॉक बैक टुगेदर वॉक बैक मतलब पैदल वापस हम घर जाते थे टेम्पल डोर और जब हम वापस निकलने लगते थे तो मंदिर के दरवाजे पे ही विलेज डॉग्स उनको पता था कि यहाँ पे कोई आएगा हमें खाना खिलाने तो वहां पे विलेज डॉग्स मिलते थे टेम्पल डोर पे दे फॉलोड आज टू आर होम वो हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे जाते थे फॉलोड मतलब पीछे पीछे जाना दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रौलिंग ग्रौलिंग मतलब गुर्राते हुए एंड फाइटिंग विद ईच अदर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम जो चपातीज हम उनको खाने के लिए फेंकते थे उसके लिए आपस में लड़ते रहते थे गुर्राते रहते थे खाते रहते थे और हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे Now when my parents were comfortably settled in the city, मतलब जब मम्मी पापा ने मम्मी पापा जब शहर में सेटल हो गए रहने में का इंतजाम कर लिया, they sent for us. बच्चों याद रखना sent for us. Send का मतलब होता है भेजना लेकिन send for का मतलब होता है बुलाना, ठीक है send for का मतलब होता है बुलाना। अगर मैंने कहा I send for you, मतलब मैंने तुम्हें बुलाया। जब मम्मी पापा शहर में अच्छे से सेटल हो गए तब उन्होंने हमें भी बुला लिया दे सेंट देर अज वॉज अ टर्निंग पॉइंट टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट मतलब लाइफ का वो पॉइंट होता है जहां से मेजर चेंजेस आ जाते हैं जहां से बहुत ज्यादा बदलाव आता है हम उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अ फ्रेंडशिप यानी कि देखो अब बहुत ही इमोशनल हो ऑथर कह रहा है कि देखो हमारी दोस्ती ऐसी थी ठीक है लेकिन हमारी दोस्ती का ये एक टर्निंग पॉइंट था मतलब यहाँ से हमारी दोस्ती में बहुत चेंजेस आने लगे कैसे चेंजेस आने लगे ऑल वी शेयर्ड द सेम रूम दादी को और खुशवंत सिंह जी को सेम रूम दिया गया था ऑल हालांकि सेम रूम दिया था माय ग्रैंड मदर नो लॉन्ग केम टू स्कूल विथ मी अब ऑब्वियसली शहर में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं तो सेम रूम में रहते तो जरूर थे लेकिन अब ऑथर के साथ में ऑथर की दादी स्कूल नहीं जा सकती थी पहला बदलाव तो यहीं आ गया आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल गाँव में कैसे स्कूल में जाते थे जहाँ पे टेंपल और टेंपल के बाजू में एक स्कूल था और वहाँ पे जो टेंपल के पंडित जी थे वही सिखाया करते थे वहाँ पे पढ़ाया करते थे तो वो ऑब्वियसली कुछ अल्फाबेट uh, uh, भी सिखाया और अल्फाबेट के साथ में

दादी ने स्पैरोज को जो छोटी छोटी गौरैया चिड़िया होती है ना उसको खिलाना शुरू किया इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस हमारा जो सिटी uh, हाउस जो हमारे शहर वाला घर था उसका कोर्ट जो ऐसा खुला सा एरिया होता है वहाँ पे uh, गौरैया चिड़िया स्पैरोज आती थी तो दादी ने उनको खिलाना शुरू किया राइट right? नाउ एज द इयर्स रोल्ड बाय रोल्ड बाय मतलब जैसे जैसे एक साल के बाद दूसरा साल तीसरा साल बीतता गया ठीक है सो पास्ट बाय स्टूडेंट्स याद रखना पास बाय मतलब व्यतीत होना बीतना मैंने आप लोगों की एक गाइड में देखा वहां पे रोल्ड बाय के लिए पास्ट अवे लिखा है रिमेंबर पास्ट अवे का मतलब होता है डाय किसी का मर जाना ठीक है, का मतलब होता है किसी का मर जाना रोल बाय का मीनिंग होगा मतलब बीतना, जैसे जैसे दिन साल बीतते गए वैसे वैसे हम एक दूसरे को कम देखते थे क्यों एट टाइम स्कूल में चला जाता था फिर ट्यूशन क्लासेस दादी से एक सेम रूम में रहते थे लेकिन फिर भी मिलना कम होता चला गया फॉर सम टाइम शी कॉन्टीन्यूड टू वेट मी अपेट मी रेडी फॉर स्कूल कुछ समय तक तो दादी ने जैसे गांव में मुझे उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी वैसे दादी ने मुझे कुछ समय तो कंटिन्यू किया वेन आई केम बैक और जब मैं वापस आता था सी दादी को कितना प्यार था अपने बच्चे से अपने पोते से राधा अपने ग्रैंड चाइल्ड से है ना शी वुस्क मी वॉट द टीचर है टीचर ने क्या सिखाया दादी पूछती भी थी शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड Taught me आई वुड टेल हर अब भाई टीचर ने जो सिखाया मैंने बता दिया क्या बताया अंग्रेजी के शब्द इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब मेरे को स्कूल में सिखा, सिखा था ये तो बड़ा खुश होकर बता देता था ठीक है लेकिन दादी को इन सब चीजों से क्या लेना देना ये लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्थम प्रिंसिपल वर्ल्ड बींग राउंड दुनिया गोल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा दादी को कहाँ समझ आ रही है चीजें राइट दादी तो दुखी हो गई दिस मेड हर अनहैप्पी शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन अब दुखी क्यों हो गई भाई ये सब चीज तो दादी को समझ नहीं आ रहा है पहले तो जो भी चीजें थी कुछ भजन वगैरह हो गया कोई ग घ थोड़ा बहुत हो गया तो वो सब तो दादी सिखा सकती थी लेकिन ये सब तो दादी को भी नहीं पता आता था तो दादी दुखी हो गई कि मैं कैसे हेल्प करूँ दादी हेल्प नहीं कर पा रही थी ठीक है शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल इंग्लिश स्कूल में जो भी चीजें सिखाते थे ना उनमें ना उनको पता था और ना उनको विश्वास था ठीक है शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वोज डिस्ट्रेस्ड वो दुखी हो गई डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है निराश हो जाना दुखी हो जाना एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड That there was no teaching about God, भगवान के बारे में कोई कुछ सिखाई नहीं रहा इस बात से वो दुखी भी हो गई And the God and the Scriptures, ना कोई holy books के बारे में ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया जा रहा है ना भगवान के बारे में सिखाया जा रहा है कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है ऐसा कुछ दादी के दिमाग में चल रहा था One day I announced, एक दिन मैंने कहा है ना क्या कहा एक दिन मैं खुशी खुशी आया और मैं बोला ओ oh, आज तो हम लोग को स्कूल में म्यूजिक सिखाया गया है oh, भाई दादी तो बहुत दुखी हो गई, हो गई हो गई। एकदम सैड हमें म्यूजिक उनको लग रहा था म्यूजिक तो भद्दे और बुरे लोग गंदे लोग गाते हैं और सीखते हैं है ना इट वॉज दी ऑफ हार्लिट्स मोनोपली मतलब एकदम बिल्कुल एक ही जो एक काम एक ही पर्सन करता है कि ये काम तो यही करेंगे है ना तो वो उसको हम मोनापली कहते हैं तो मोनापली किसका था हार्लेट्स एंड बेगर्स बेगर्स का जो बेगर्स है या या तो वो या फिर हार्लेट्स प्रॉस्टिट्यूट्स जो होते हैं वो लोग मतलब उनको उनके लिए लगता था म्यूजिक गाना वाना ये सब तो गंदे लोगों का काम है अभद्र लोगों का काम है है ना और ये स्कूल में सिखाया जा रहा है दादी बहुत परेशान हो गई ठीक है ये ट फॉर जेंटल फोक जेंटल फोक मतलब अच्छे लोगों के लिए सभ्य लोगों के लिए तो यह है ही नहीं ऐसा दादी का सोचना था तो कुछ नहीं लेकिन इतनी दुखी हो कि वो चुप हो गई शी सेट नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसूवल डिसूवल मतलब नामंजूरी तो दादी की जो चुप्पी थी उससे नामंजूरी साफ झलक रही थी उसके बाद तो दादी ने मुझसे बात ही करना छोड़ दिया हे hey भगवान ये लड़का क्या क्या, क्या सीख रहा है इसे, तो मैं बात तो right? मतलब क्या होता है धर्म ग्रंथ मोनापली एक अधिकार सोल राइट मतलब मान लो कि मेरे पास ही एक सोल राइट right है किसी चीज को करने का तो मैं कहूंगी मेरे पास वो काम करने का मोनोपली है ठीक है मान लीजिए ये पेन अगर मैं

वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी स्कूल खत्म हुआ अब यूनिवर्सिटी गया आई वॉज गिविन अ रूम ऑफ माई ओन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तब तक ऐसा हो गया था कि मुझे मेरा सेपरेट रूम मिल गया आई वॉज गिविन ऑफ माई ओन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड

accepted her seclusion seclusion मतलब अलग होना है सेक्लूड होना अलग कर देना है ना अलग नहीं किया लेकिन एक तरह से दादी और पोता तो अलग-अलग हो गए तो दादी ने इसको भी चुपचाप स्वीकार कर लिया माय ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन उनका जो स्पिनिंग व्हील था उसको वो छोड़ के वो जाती नहीं थी किसी से बात करने के लिए फ्रॉम सनराइज टू सनसेट मतलब सुबह से शाम तक हर बैठी रहती थी वो व्हील स्पिन करती रहती थी और अपना प्रेयर्स बोलती रहती थी Only in the afternoon she relaxed। सिर्फ दोपहर को थोड़ा सा वो आराम करती थी for a while और वो भी क्यों To feed the स्पैरो जो छोटी छोटी चिड़िया गौरैया आती थी उनको फीड करने के लिए खाली वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी नाउ वाइल शी बिट्स ठीक है अब जब वो वराना में बैठ के ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ती थी ना तो तब हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कोई सारी छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड अराउंड

Veritable मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमारे कान बज रहे हैं सच में सुनाई दे रहे, रहे। so, मतलब हैं सच में चिड़िया बहुत कर रही है ना उसको हम यही कहेंगे वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स सम केम एंड पर्च जब चिड़िया के बैठ जाती है ना तो उसको कहते हैं पर्च होना है ना सो so, कुछ चिड़िया आती थी देखो यहाँ पे एंड पर्च ऑन हर लेग्स अदर्स ऑन हर शोल्डर्स कुछ चिड़िया ऐसे उनके कंधे पे बैठ जाती थी कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी सम इवन सैट ऑन हर हेड कुछ तो चिड़िया ऐसी आके उनके सर पे भी बैठ जाती थी she smiled वो स्माइल करती थी बट नेवर शूट देम अवे शूट देम अवे मतलब हम ऐसे भगा देते ना, भग जाओ भग जाओ ऐसे करते ना तो उसको हम कहते हैं शू अवे तो उन्होंने वो स्माइल करती थी लेकिन कभी भी उन चिड़ियों को शू अवे नहीं करती थी इट यूज्ड टू बी द Happiest half hour of the day for her उनका दिन का जो सबसे खुशी वाला टाइम रहता था वो यही था राइट right? ओके okay, अब यहाँ पे तो खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में बताया कि कुछ चीज जो दादी को करना बहुत अच्छा लगता है आप लोग की भी दादी को सब आपकी दादी का सबसे फेवरेट काम क्या है ये एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ठीक है नाउ व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड मतलब अब जब मैंने विदेश जाने का सोचा फॉर फर्दर स्टडीज आगे पढ़ाई करने के लिए जब मैंने विदेश जाने का सोचा I was sure my grandmother would be upset. मुझे तो पक्का पता था कि दादी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी I would be away for five years. मैं पांच साल के लिए बाहर जा रहा था And at her age, one could never tell. One could never tell मतलब हम कभी श्योर नहीं हो सकते हैं because उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो कोई कुछ बता नहीं सकता था At her age, one could never tell. ठीक है But my grandmother could. बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं पता था कोई नहीं बता सकता था कि क्या होगा पांच साल के बाद मैं जा रहा हूँ पता नहीं मैं वापस आऊंगा तो दादी मिलेंगी भी कि नहीं लेकिन दादी को पता था बट माई ग्रैंड मदर कुड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल अगर दादी के मन में ये बात आती ना कि पांच साल के लिए मैं, मैं जिंदा रहूंगी भी कि नहीं पता नहीं मैं, मैं अपने पोते को sentimental तो हो जाती लेकिन दादी sentimental नहीं थी बिकॉज दादी को शायद पता था है ना कभी कभी होता है कुछ कुछ दादियों का कुछ कुछ मम्मियों का सेंस बहुत स्ट्रांग होता है यूजुअली दादियों का मम्मियों का सेंस बहुत स्ट्रांग होता है तो ऑथर तो सोच रहा है कि दादी 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 का एज इतना ज़्यादा हो गया है, पता पता नहीं नहीं, नहीं साल की बाद मैं जा रहा वापस आके को को देखने मिलेगा कि लेकिन दादी सेंटिमेंटल नहीं हुई क्योंकि दादी को पता था। स्टेशन वो रेलवे स्टेशन तक अपने पोते को छोड़ने भी आई बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन उन्होंने ना ज्यादा बात किया ना ज्यादा इमोशन दिखाया हर लिप्स मूव इन प्रेयर लेकिन उनके जो लिप्स है वो मूव कर रहे थे कैसे प्रेयर वो कुछ ना कुछ अपने पोते के लिए प्रेयर कर रही थी हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर उनका जो मन था उनका जो दिमाग था वो प्रेयर्स में खोया हुआ था वो आई तो स्टेशन अपने पोते को छोड़ने लेकिन उनका माइंड जो है लॉस्ट इन प्रेयर था हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर ऑफ हर रोजरी उनकी जो माला थी उसको जपने में उनके फिंगर्स बिजी थे हर फिंगर्स बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी राइट ओके साइलेंटली शी किस्ट माई फोर हेड धीरे से चुपचाप क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी तो साइलेंटली उन्होंने अपने पोते को फोर हेड पर किस किया एंड वेन आई लेफ्ट मतलब जब मैं निकल गया जब मेरी ट्रेन निकल गई आई द द इम्प्रिंट एज परहैप्स परहैप्स मतलब शायद लास्ट साइन ऑफ फिजिकल बिटवीन अस क्योंकि ऑथर अपने मन में ये सोच रहा है क्या पता कि ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट अभी हुआ है मेरा मेरी दादी के साथ में मेरी दादी ने मुझे फोरहेड पे किस किया शायद ये लास्ट हो क्या पता मैं पांच साल के बाद आऊँ तो दादी हो या ना हो ऐसा ऑथर के दिमाग में चल रहा है बट दैट वॉज नॉट सो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ After five years I came back home and was met by her at the station पांच साल के बाद ऑथर वापस आया और दादी स्टेशन पे पोते को रिसीव करने गई She did not look a day older. वो पांच साल बीत गए लेकिन फिर भी दादी वैसी ही लग रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एक दिन एक दिन भी और बूढ़ी हुई हो है ना तो उत, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था दादी को जैसे पांच साल पहले छोड़ के गए थे वैसी ही दादी अभी भी लग रही थी शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स अभी भी दादी ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी एंड व्हाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स मतलब ऐसे झप्पी देना है ना ऐसे दादी लोग ऐसे प्यार से जो झप्पी देते हैं तो हालांकि जब उन्होंने मुझे झप्पी दिया आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स जब दादी ने पोते को ऐसे झप्पी दिया जब ऐसे प्यार से उसको गले से लगाया तो उनको सुनाई दिया कि कुछ प्रेयर्स दादी अभी भी बोल रही हैं दादी अभी भी अपना प्रेयर्स रिसाइट कर रही हैं इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल जिस दिन मैं आया पाँच साल के बाद उस दिन भी उनका सबसे खुशी का टाइम वो नहीं था जब वो मुझसे मिली उनके सबसे खुशी का टाइम था जब वो सारी चिड़ियों को सारे गौरैयों को सारे स्पैरस को वो फीड कर रही थी हर Happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes वो और ज्यादा टाइम तक उनको फीड कर रही थी है ना उनको डांटे भी जा रही थी और उनको फीड भी कर रही थी in the evening a change came over her शाम को लेकिन क्या हुआ शाम को कुछ बदलाव आया ठीक है क्या बदलाव था she did not pray उन्होंने प्रे नहीं किया शी कलेक्टेड दुमेन ऑफ द नेबरहुड आस पास की जो औरतें हैं उनको इकट्ठा किया उन्होंने गॉट एन ओल्ड जो ऐसे डमरू uh, सा होता है वो एक पुराना सा ओल्ड ड्रम है ना तो पुराना सा डमरू उन्होंने लाया सारी औरतों को जमा किया और वो गाना गाने लगी शी स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक शी थम्प्ट थ मतलब जैसे ऐसे डमरू हम बजाते हैं ना तो डमरू को उसको जो बीट करते हैं उसको हम थंप कहते हैं तो वो डमरू को थंप कर रही थी द सैगिंग स्किन ऑफ द डैलापीडेटेड डैलापीडेटेड मतलब क्या होता है पुराना सा ड्रम जो पुराना सा ड्रम था वो ऑब्वियसली पुराना ड्रम जो उसका साइड में जो स्किन सा होता है वो लूज सा हो गया था लेकिन फिर भी लूज स्किन इसीलिए हम बोल रहे हैं सैगिंग स्किन सैगिंग स्किन ऑफ द डैलापीडेटेड ड्रम और उसको वो घंटों तक बजा रही थी एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स होम कमिंग मतलब घर वापसी वॉरियर्स मतलब पहले क्या होता था पहले जो सैनिक पहले क्या अभी भी होता है कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे देश की सरहदों पे अपने घर से दूर देश की रक्षा कर रहे होते हैं है ना तो जब वो वापस आते हैं तो हम उसको होम कमिंग कहते हैं होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स वो गाना गा रही थी है ना कौन सा गाना एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स राइट वी हैड टू परस्यूएड her. हमें दादी को मनाना पड़ा कि दादी बस करो थक जाओगी तबियत खराब हो जाएगा We had to persuade her to stop, to avoid overstraining. Overstraining मतलब दादी थक ना जाए इसलिए हमें उनको रोकना पड़ा मनाना पड़ा That was the first time since I had known her that she did not pray. मतलब जब से बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके आज तक का पहली बार ऑथर ने देखा कि दादी ने प्रे नहीं किया द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन एल टेकन एल मतलब अगले सुबह दादी बीमार हो गई इट वॉज अ माइल्ड फीवर हल्का फुल्का फीवर था और डॉक्टर ने कहा कि फीवर चला जाएगा डॉक्टर अस दैट इट वुड गो बट माई ग्रैंड मदर था डिफरेंटली लेकिन दादी को पता चल गया था अब पता नहीं लेकिन कहते हैं कि जब इंसान मरने वाला होता है ना तो उसको पता चल जाता है कुछ टाइम पहले उसको पता चल जाता है कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही इमोशनल पार्ट है ये ऑथर uh, ने एक खट्टे मिठ्ठे तरीके से स्टार्ट uh, किया था स्टोरी का अपनी दादी के बारे में बताना बीच में बहुत ज़्यादा अपना इमोशनल बॉन्ड और uh, पूरा फ्रेंडशिप बताया आप देखो लास्ट वाला पार्ट क्योंकि ऑथर ने जिस तरह के वर्ड्स का चॉइस किया है आपको उससे ही पता चल रहा है कि वो अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड थे है ना सो बट माई ग्रैंड मदर डिफरेंटली दादी को लेकिन डॉक्टर ने तो बोला कि ठीक हो जाएंगे हल्का फुल्का बुखार है लेकिन दादी ने कुछ अलग सोचा था क्योंकि दादी को पता चल गया था कि अब ये मेरा लास्ट है शी अस दैट हर एंड वॉज नियर उन्होंने कहा कि अब मेरा अंत नजदीक है मतलब मैं जाने वाली हूं अब दुनिया छोड़ के जाने वाली हूं शी सेट दैट सिंस ओनली अ अ फ्यू आवर्स बिफोर द द क्लोज ऑफ ऑफ लास्ट चैप्टर लाइफ मतलब उनके जीवन का जो आखिरी पन्ना था उसके क्लोज की जस्ट पहले उन्होंने ये बात बोली ठीक है और उन्होंने यह कहा कि इन द लास्ट चैप्टर एट द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे बोल रहे हैं कि इस ऐसे आखिरी वक्त पे मैं प्रे करना भूल गई ठीक है शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइमिंग टू अर्स उन्होंने बोला और बात नहीं करना ये मेरे लाइफ का लास्ट मोमेंट है अब प्रे वो प्रेयर करने में लग गई शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू us, ठीक है हमने बल्कि प्रोटेस्ट किया हमने बोला नहीं नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन उन्होंने इग्नोर किया बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट शी ले ये मतलब वो लेटी रही पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स टेलिंग हर बीड्स मतलब वो चुपचाप शांति से लेटी रही और वो अपने बीड्स अपनी माला का जाप करती रही इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट मतलब हमें डाउट भी होता उसके पहले ही हमें शक भी होता उसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप मूविंग वो ऐसे ऐसे जाप कर रही थी और उनके लिप्स रुक गए हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless fingers fingers जान है तो ये हिल रहे हैं ठीक है ठीके? जब इंसान अगर मर जाए डाई तो उसकी जान निकल जाएगी तो ये बेजान हो जाएंगे राइट सो so, ये फिंगर्स जो है ये बेजान हो गए थे अब बेजान हो गए जान है तभी तो आप कोई चीज पकड़ पाओगे बेजान हो जाएंगे तो गिर जाएंगे ऐसे है ना सो so, उनका जो रोजरी था उनकी जो माला थी लिप्स स्टॉप हो गए और माला जो है उनके हाथ से ऐसे छूट गई अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस ब्लड जिंदा हो तो बॉडी uh, के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है ठीक है फिर उसके बाद में जब इंसान डेड हो जाता है तब सब स्टॉप हो जाता है तो वैसे ही बिल्कुल शांति फिंगर्स जो हैं वो लाइफलेस हो गए और उनके फेस पे पीसफुल पैलर मतलब पैलर मतलब जैसे जब इंसान बीमार हो जाता है पीलापन या ऐसा ऐसा हो जाता है तो वो चीज़ वो उसको हम पैलर कहेंगे अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड और जैसे ही वो चेहरे पर पीलापन फैला हमें समझ आ गया कि अब दादी नहीं रही बेड एंड इज कस्टमरी मतलब जैसा की रीत रिवाज है जैसा है, कस्टम्स है तो वैसे हमने उनको बेड पर से उठाया एंड लीड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद्राउड श्राउड मतलब एक रेड कफन से हमने उनको कवर कर दिया ठीक है आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मोर्निंग मतलब शोक मनाना तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल उनकी जो अंतिम यात्रा है उसकी अरेंजमेंट करने के लिए हम निकल पड़े इन द इवनिंग वी वेंट टू हर to her room with a crude stretcher. बच्चों, what is the meaning of stretcher? आप सबको पता है ठीक है Stretcher का मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा है stretcher, ठीक है

रेड श्राउड जहा पर उनको रेड श्राउड रेड कफन से ऐसे लेटाया हुआ था वहां से लेके कोटयार्ड घर के कोर्टयार्ड से उनके अहा पे उनको लेटाया हुआ था वहां तक Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों goraiya wahan pe बैठी थी फ्लोर पर हजारों goraiya wahan pe बैठी थी ठीक है There was no ट्रपिंग इस बार गौरैया कोई शोर नहीं मचा रही थी सब शांति से बैठी थी मानो कि वो शोक मना रही हो वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स बर्ड्स के लिए हमें बहुत बुरा लगा एंड माई मदर fetched सम ब्रेड फॉर देम मम्मी को बहुत हम सबको बहुत बुरा लगा और मम्मी कुछ ब्रेड बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी उनको खिलाया करती थी तो माय मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स जो ब्रेड को हम ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में कर देते हैं उसको हम कहते हैं क्रम्स द वे माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड एम थ्रू इट टू देम मेरी दादी जैसा किया करती थी बिल्कुल वैसे ही मम्मी ने ब्रेड को छोटे-छोटे क्रम्स में किया और उनको दिया खाने के लिए द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ़ द ब्रेड खाना दूर की बात है स्पैरोज ने उसे देखा भी नहीं स्पैरोज ने उसे देखा भी नहीं वेन वी कैरेड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ कॉप्स मतलब डेड बॉडी तो जब हम दादी की डेड बॉडी को हम लेके चले गए कैरी द ग्रैंड मदर्स कॉप्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली चुप चाप वो सारी उड़ गई नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन बल्कि अगले दिन स्वीपर को सारी ब्रेड क्रम्स को बटोर के डस्टबिन में डालना पड़ा क्योंकि चिड़िया ने उसको देखा तक नहीं हजारों चिड़िया आई थी लेकिन किसी ने भी उसे देखा तक नहीं राइट स्टूडेंट्स सो देखिए बहुत ही इमोशनल एंडिंग दिया है ने कितने अच्छे कितने प्यारे शब्दों में उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है अपनी दादी के बारे में दादी का पोर्ट्रेट भी पूरा बताया है कैसी दिखती थी दादी कैसे दादी के साथ में इनका रिलेशनशिप था ठीक है एवरी डिटेल ऑफ ऑफ इट इन ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड स्टूडेंट्स आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का बैच आ गया है साइंस एंड फन पे आप कोड यूज करेंगे सुमन टू गेट फिफ्टीन परसेंट ऑफ अभी फिलहाल अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश या कोई भी कोर्स एप्लीकेशन पर साइंस एंड किसी भी कोर्स पे अगर आप एस यू एम एन सुमन कोड यूज करते हैं तो आपको फिफ्टीन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा राइट स्टूडेंट सो आई होप आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आया मजा आया होगा पढ़ने में मिलते हम लोग अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखें कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद एवरी वन